गाइज आप लोग इस क्वेश्चन को करो, और जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा किसको क्वेश्चन इजी कैसे कर सकते हो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज तो करना ही है वैसे। चलो करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्म है इसको हम लोग डायरेक्ट इधर इधर कर देते हैं क्या, 1+√2 लिख सकते हैं, और जो इसको डिवाइड में 2 कर सकते हैं, और इस चीज का जो साइन है इसको चेंज करके ऊपर लिख सकते हैं ना। सारी चीजें मैं बता दूंगा कि कैसे होती है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। और प्लस सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इधर आप साइन चेंज करके, देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है, साइन चेंज करके +√3 लिखा जा सकता है ना, √3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन दोनों का 2 है तो यहाँ पे 2 किया जा सकता है। आगे आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों का कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो बाकी आंसर आ जाएगा, कोई बहुत 30 मार्क खान क्वेश्चन नहीं है, है ना। तो चलो, सिमिलर क्वेश्चन और भी मैंने कराया है इस चैनल पे, तो ये कैसे होगा ये आप खुद कर लेना एक बार, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, आपको इंटू करना है, यहाँ पे 2 लेके बाकी आंसर आ जाएगा, कोई बहुत कुछ नहीं है। लास्ट में आपका 2 कॉमन लोगे तो 2 मतलब ऊपर 2 कॉमन लोगे ना तो 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, और लास्ट में आंसर जो जाए इन दोनों में से एक होगा। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे आपका, आई थिंक ये वाला आंसर होगा, ठीक है, सी। तो चलिए कैसे होगा, कैसे होगा, ये होगा ऐसे कि देखो, रेशनलाइज करना चाहो आप, जब भी रेशनलाइज करोगे तो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो, उसको भी, लेकिन मैंने इसको, क्योंकि आप दोनों तरह से आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर मैंने जो किया वो मैं बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे आप ऊपर जो है उसको रहने दो, अगर हम इस वाले चीज को रेशनलाइज करें √5+√3 को, तो ऊपर नीचे माइनस से इंटू करेंगे, यानी कि √5 - √3 ऊपर नीचे इंटू कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा आपका। मतलब अगर आप एकदम लिख लिख के करोगे तो टाइम लग जाएगा एग्जाम में, तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला चीज़ है, जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आते हैं वो इनका डिफरेंस, जो स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, तो हम डायरेक्ट इसका साइन चेंज करके ऊपर लिख देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 4 रहता ना, या इस 3 के जगह पे अगर 4 रहता, तो डायरेक्ट आप √5 - √4 यहाँ पे इंटू कर सकते थे, यहाँ पे √5 - √4, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो 2 रहने दो नीचे, आप 2 नीचे रहने दो, आप 2 नीचे रहने दो, और इसका डिफरेंस का 2 नीचे रहने देना, और बाकी सेम काम करना है, इसका डिफरेंस निकाल लो, 2 नीचे रहने दो, बाकी इसका साइन चेंज करके इसको ऊपर लिख दो, रेशनलाइज हो गया। ये ट्रिक है, और जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है 95% टाइम्स वो आपसे ये पूछा जाता है, ये देखो इसका रेशनलाइजेशन हो गया, ये वाला चीज़ है, बाकी ऊपर तो 1+√2 है जो है ही, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, जो क्या त्यो, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जो 95% टाइम्स पूछा जाता है वो आपसे ये पूछ जाता है, जैसे कि ये दिए दिया रहेगा आपसे, ये दिया रहेगा कि 1√5 - या + कुछ भी हो सकता है, √4, इसको रेशनलाइज करने का एक दिया रहेगा, तो बस आपको ये साइन चेंज करना है। कभी भी जब आप देखो कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो इसका जो साइन है बस ऊपर ले जाके आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, है ना। तो आपका ये चीज़ हो जाएगा, ये नहीं कि बैठ के सॉल्व करने लोगों, सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ऐसे इतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है, डायरेक्ट आपको चीज़ें समझनी है। अब देखो, अब आपको मालूम चल गया ये सारी चीज़ें, तो अब आप क्या करोगे, फटाक फटाक करोगे, फटाक फटाक, अब पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अब पूरा मिटा दिया मैंने, पूरा मिटा दिया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे हो कि यहाँ डिफरेंस 2 है, ऊपर हमें पता है कि 1+√2 है, ठीक है, और यहाँ पे साइन चेंज करना है, यानी कि -√3 कर देना है, हो गया। सेकेंड सिचुएशन में भी सेम करना है, प्लस यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन में भी जो ये वाला चीज़ है इसको रहने दो ऐसे ही, बाकी इस चीज़ का साइन चेंज कर दो, लेकिन जब साइन चेंज कर रहे हो तो इसका डिफरेंस भी यहाँ लिख दो, ठीक है। अब
अगर यहाँ चार रहता तो यहाँ पर डिफरेंस वन लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम बस साइन चेंज करके ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आदमी सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बच्चा भी अब तो सॉल्व कर सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।